आपको जेशु। सबके लिए एक एक मोटिवेटर होगा। मेरे लिए मेरा मोटिवेटर वो है मेरा माता मरियम, क्योंकि जब अपने पुत्र को मारते समय, दुखते समय, मजाक उड़ाते समय माता मरियम ईश्वर से कोई झगड़ा नहीं करती, माता मरियम ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करती। इतना ही नहीं, अपने पुत्र का हाथ और पैर क्रूस में टोका और मरने के वक्त में अपनी माँ से एक बूंद पानी मांगी। लेकिन माता मरियम का उस वक्त में माता मरियम अपने पुत्र के लिए एक बूंद पानी भी नहीं दे सकी। फिर भी माता मरियम ईश्वर से कोई झगड़ा नहीं करती, माता मरियम ईश्वर से कुछ शिकायत नहीं करती। हम रोते हुए माँ को देख सकते हैं, लेकिन तकते हुए माँ को हम कभी नहीं देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, शैतान का पहला दुश्मन वो ये माता मरियम है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि माता मरियम कितना पावरफुल है। इस दुनिया को बचाने वाले यीशु मसीह भी माता मरियम का गर्भ में पैदा हुआ है। इसका मतलब इतना ही है, माता मरियम बहुत पावरफुल है। एक दिन माता मरियम सेंट डोमिनिक को दर्शन दिया और उनके हाथों में दुनिया की सबसे पावरफुल शक्तिशाली एक चीज रखा। किसी को मालूम है क्या है वो चीज? वो है आज हम पहने वाला ये रोसरी। जब हमारे पास आंख होती है तो हम आंख की कीमत नहीं समझते हैं। उसी प्रकार है, जब हमारे पास रोसरी होती है तो हम रोसरी की कीमत नहीं समझते हैं। एक बार सेंट फ्रांसिस डी सेलस कहते हैं, अगर मैं बहुत बिजी है तो भी मैं रोसरी बोलना कभी नहीं भूलता हूँ। और दोस्तों सोचो, आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज दुनिया में अपने घर में रोसरी नहीं है, रोसरी बोलना भी नहीं आता, क्योंकि सब लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में बहुत एक्टिव है, लेकिन रोसरी के समय एक्टिव नहीं है। इसकी वजह से आज घरों में, अपने जिंदगी में प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है। अगर आपका जिंदगी में प्रेम नहीं तो, खुशी नहीं तो, संतोष नहीं तो, वो सोल्व कर सकते हैं। एक महीना, सिर्फ एक महीना, हर दिन सबके साथ रोसरी करो, सिर्फ एक महीना। उसके बाद आप बहुत चेंजेस देख सकते, बहुत मिराकल्स देख सकते, क्योंकि हम हर बार रोसरी बोलते समय माता मरियम हमारा राइट साइड में आकर बैठते हैं। ये सच है, मतलब सच है, मुझे ये प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जब हम रोसरी दोहराते समय हमारे हाथों में ये रोसरी देखो और कस कर पकड़ो और रोसरी करो। रोसरी करो माने सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि मन से करना, और रोसरी के अंत में अपने हाथ खोल कर वो रोसरी सुनको, तब पता चलेगा वो मिरेकल देख सकते हैं। दोस्तों, ये रोसरी महीने में हम माता मरियम के साथ रोसरी करें, यानी सिर्फ मुंह से नहीं बल्कि दिल से, मन से करना है, तो हम बहुत चेंजेस देख सकते हैं, बहुत मिरेकल्स देख सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोला कि माता मरियम बहुत पावरफुल है। जय माता मरियम।